तस्वीर भी देख ली, लोग पीछे परेशान हो रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद साथियों, उड़ीसा के लोगों में दम भी है और जज्बा भी है, लेकिन मुझे ये देखकर दुख होता है कि बीजेडी सरकार ने आपको सही अवसर नहीं दिया। मोदी जी जो योजनाएं बनाता है उसको बीजेडी सरकार ने लागू नहीं होने दिया। जो लागू हुई उनमें बीजेडी ने अपने भ्रष्टाचार का ठप्पा लगा दिया। मोदी ने मुफ्त चावल की योजना शुरू की, क्यों? ताकि उड़ीसा के किसी भी गरीब मां के बच्चे को भूखा न सोना पड़े, गरीब का चूल्हा जलता रहना चाहिए। लेकिन बीजेडी सरकार ने इसमें भी घोटाला कर दिया। साथियों, मोदी ने पूरे देश में आयुष्मान योजना शुरू की, इससे आप देश में कहीं भी रहे 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलता है। लेकिन बीजेडी सरकार ने इसको भी लागू नहीं किया। साथियों, मेरे लिए तो आप सब मोदी ही है। और इसलिए आप गांव-गांव में जाकर गारंटी देना कि उड़ीसा में अब बीजेडी की गड़बड़ियां नहीं चलेगी। यहां भाजपा सरकार बनेगी और उन्हें मोदी की हर योजना का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। साथियों, आपके पड़ोस में ही छत्तीसगढ़ है, वहां 15 साल बीजेपी की सरकार रही। हाल में ही वहां के लोगों ने फिर से भाजपा को भारी बहुमत से चुन लिया और आज छत्तीसगढ़ की सरकार एक आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी बेटा उस सरकार को चला रहा है। बीजेपी छत्तीसगढ़ को संवार रही है। वहां धान किसानों से बड़ी मात्रा में धान खरीदा जाता है, धान किसानों को रिकॉर्ड पैसा भी दिया जाता है। यहां नवरंगपुर से तो छत्तीसगढ़ 50-60 किलोमीटर की दूरी है, वहां भाजपा सरकार 3,100 रुपया, सुनिए, 3,100 रुपया प्रति क्विंटल पर धान खरीद करती है, जबकि यहां उड़ीसा में धान की खरीद सिर्फ 2,100 रुपये में होती है। इसलिए उड़ीसा भाजपा ने घोषणा की है कि यहां बीजेपी की सरकार बनने के दूसरे ही दिन 3,100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदा जाएगा। बोलो भारत माता की, बोलो। बढ़िया काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको भरोसा है कि नहीं है? हर किसान को फायदा होगा कि नहीं होगा? ये मोदी की गारंटी है कि नहीं है? साथियों, छत्तीसगढ़ में केंदु पत्र की भी बड़ी खरीद छत्तीसगढ़ में होती है।
लेकिन ओडिशा में क्या हाल है, यहां स्थिति बहुत खराब है और इसलिए ओडिशा बीजेपी ने, ओडिशा भाजपा ने केंदू पत्र का दाम बढ़ाने और केंदू पत्र संग्राहकों को बोनस देने की घोषणा की है। आप लोग खुश हैं? खुश हैं? बोलिए जय जगन्नाथ। साथियों, यहां इतना विशाल इंद्रावती बांध है, लेकिन नवरंगपुर और कोरापुट के परिवारों को बहुत लाभ नहीं मिल पाता। किसानों को पानी भी पर्याप्त नहीं मिलता, जबकि पड़ोस में छत्तीसगढ़ में किसान साल में तीन तीन फसलें तक लेते हैं, यानी खेती चौपट, रोजगार चौपट। यहां के नौजवानों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। यहां कपास किसान परेशान है, यहां गन्ना किसान परेशान है, यहां मक्का उगाने वाले छोटे किसान परेशान है, और बीजेडी 25 साल में आपकी मुश्किलें कम नहीं कर पाई। मुझे बताइए, जो आपके लिए कुछ करे नहीं, उनकी आपको जरूरत है क्या? कोई जरूरत है क्या? अब एक मिनट भी ऐसे लोगों को रहने देना चाहिए क्या? तो एक बार भाजपा को मौका दीजिए, और मैं आपको कहता हूं, पांच साल में ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर वन बना देंगे। भाजपा आपकी हर समस्या का समाधान करेगी। भाजपा के लिए आपका कल्याण ही सर्वोपरि है, इसलिए मुझे विश्वास है ओडिशा का विकास होगा, होगा, होगा। बोलो जय जगन्नाथ। एथी पाई मोर विश्वास, उड़ीसा रे विकास निश्चय होवे। भाइयों और बहनों, आपने मोदी के 10 साल के सेवा काल को देखा है, आपने ही प्रचंड बहुमत से मोदी को सेवा करने का अवसर दिया है। इन 10 सालों में मोदी ने क्या किया? मोदी ने आदिवासी कल्याण का बजट 5 गुना बढ़ाया। मोदी ने आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य आवासीय विद्यालयों की संख्या 400 पहुंचाई। मोदी ने वन धन केंद्र योजना शुरू की। मोदी ने एससी एसटी आरक्षण को 10 साल और आगे बढ़ाया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 60% मंत्री एससी एसटी ओबीसी के बनाए। और सबसे बड़ी बात, देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति देने का सौभाग्य भी बीजेपी को मिला। उड़ीसा की एक बेटी आज देश की राष्ट्रपति है। ये आपके लिए ही नहीं, पूरे देश की मातृशक्ति के लिए गौरव की बात है। 140 करोड़ के देश को आज उड़ीसा नेतृत्व दे रहा है।
भाइयों और बहनों, यहां बहुतों को याद नहीं होगा,